ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं भूफलचारुभक्षणम् उपमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्मकांड में कोई भी कर्म करना होता है उसे सबसे पहले विचार किया जाता है वे पूर्व दिन का कृत्य क्या होगा। जो अनुष्ठान होता है वो तो होगा ही जिस दिन से शुरू करना होगा, उससे ज़्यादा महत्व है उसके पूर्व दिन क्या कर तैयारी होनी चाहिए। क्या क्या स्नान किए जाते हैं, कितने शुद्धिकरण किए जाते हैं, वो पूर्व दिन कृत्य वो महत्व। उसके बाद होगा उस दिन का प्रातःकालीन से क्या क्या करना है। इन पूर्व दिन कृत्य और उससे पूर्व दिन के भी पूर्व दिन में क्या क्या तैयारी करनी है, पूर्व दिन कृत्य के लिए हमें क्या जरूरत है, उन चीजों को उन सामग्रियों को सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और अनुष्ठान के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनके भी सब सामान वगैरह तैयारी करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जैसे मान लो कोई भी अनुष्ठान अधिकतर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शुरू किया जाता है अधिकतर, तो इसलिए इसका पूर्व दिन बनता है अमावस्या। तो अमावस्या का दिन प्रातः काल में तो कुल 9 प्रकार के स्नान किए जाते हैं। 9 प्रकार। सबसे पहले भस्म स्नान होता है, भस्मी जो होती है उसको लगाते हैं शरीर, फिर डुबकी लगाते जल में। उसके बाद गोमय, गोमय स्नान न गोबर, उसको शरीर पर लेप लिया जाता है या तो उसको पानी में थोड़ा घोल के पूरे शरीर पर उसको डाल, एक बाल्टी में घोल घाल करके उसको ऊपर डालते हैं, उसे स्नान। फिर शुद्धोदक स्नान, प्रत्येक स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान होगा। इसे अधिकतर सारे सामग्रियों को नदी के किनारे ले जाएंगे, नदी के पास ही कर लें तो ज्यादा सुविधा होगी स्नान करने। तीसरा है मृत्तिका स्नान, कोई गंगा जी की मिट्टी जो बगल में रहेगी उसी को अपने में लपेट लिया, नदी के तट का मिट्टी को उसे स्नान कर लिया। चौथा है जल स्नान, उस जल में सुगंधित द्रव्य डालते हैं क्योंकि 3 स्नान में काफ़ी अशुद्धि सा दुर्गंध सा भी महसूस होने लगता है आदमी को, तो इसलिए कहीं मानसिक और शारीरिक कोई परेशानी ना हो उसलिए सुगंधित द्रव्य उसमें डाल करके उसे स्नान करना। अधिकतर यही होता है सुगंधित द्रव्य में चंदन डाल दो, चंदन डाल दो सबसे बढ़िया है। पूजा में भी उपयोग में आते रहता है, चंदन रहता ही है, पीस करके रखा रहेगा थोड़ा घिस करके उसको जल में डाल लिया उसको स्नान कर लिया, उसको चंदनोदक स्नान भी कहते हैं, इसलिए चंदन से युक्त जल स्नान। फिर शुरू होगा गोमूत्र स्नान, गोमूत्र से क्या होगा, गोमूत्र के बाद फिर गोमय स्नान दोबारा, फिर दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर अंत में घृत स्नान। हाँ, जैसे तैलाप्यंजन होता है ना, तेल के जगह पर घी होता है। नौ हो गए, भस्म, गोमय, मृत्तिका, सुगंधित जल, गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घी। हाँ, दो में दो बार होगा गोमय का।
पंचगव्य नहीं, गोमय का मतलब केवल गोबर, हाँ अलग अलग है ना, इसलिए पंचगव्य में दूध अलग हो गया दुग्ध, है ना, दही अलग हो गया, घी अलग हो गया, अलग अलग स्नान है, इसलिए पंचगव्य बनाना नहीं, अलग अलग करके रखा। फिर स्नान अंग तर्पण होगा, स्नान का अंग होता तर्पण होगा। तत्पश्चात वहीं पर सूर्य को अर्घ्य देना, नदी के पास ही है स्नान कर रहे हैं, सूर्य अर्घ्य वहीं दे देंगे, उसके बाद तिलक करके वहां से लौट। नहीं, स्नान का अंग भूता तर्पण अलग होता है, स्नान स्नानाभिमानी देवी अलग है, जब स्नान कर रहे हैं स्नानिका नाम की एक देवी होती, उस देवी को तर्पण देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अनुमति लिए बिना हम लोग स्नान कर लेते रोज, उस देवी को प्रसन्न कैसे करेंगे, हमने स्नान कर लिया, नव विधा स्नान कर दिए हैं, तो स्नानिका देवी को तर्पण दे करके उसको प्रसन्न किया जाता है। वो विधि अलग, उसका मंत्र अलग, सारे चीज अब तो विधि बता रहे, क्रम बता रहे, इनके मंत्र अलग अलग होंगे, वो अनुष्ठान प्रकाश सब मिलेगा आपको, इसलिए हम पहले क्रम बता रहे, पूर्व के दिन कृति का। अभी इसके अनुसार क्या क्या सामान चाहिए अब लिस्ट बना लें, है नहीं, जैसे आपको गोमय चाहिए, गोमूत्र चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, चंदन घिसा हुआ चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने पास होना चाहिए, एक बाल्टी हो, एक लोटा हो, जिसे गोबर को उसको घोल के तैयार करनी है, इसलिए एक बाल्टी चाहिए, एक लोटा चाहिए, है ना। उसके बाद अर्घ्य पात्र, तर्पण देने के लिए तो एक छोटा सा थाली हो, उसमें गंगा जल जो भी स्नान कर रहे हैं वो जल रख लिया, उसमें उसमें दूध थोड़ा बचाए रखने पर दूध मिलाना है, दूध युक्त जल से तर्पण देना है स्नानिका को, स्नानिका देवी। फिर सूर्य अर्घ्य के लिए उसके लिए तांबे का अर्घ्य पात्र, ठीक है नहीं, उसमें लाल फूल, कुमकुम, जल में कुमकुम डालना है, और अक्षत, ये सब चीज़ जरूरत पड़ती है, सब सामग्री अपना अलग बनाना पड़ेगा पूर्व दिन की प्रातःकाल कृति के लिए, उससे पूर्व दिन ये सब सामान तैयार होना चाहिए। सुनो, स्नानांग तर्पण के बाद सूर्य अर्घ्य हो गया, फिर तिलक लगाकर वहां से फिर उसके बाद अमावस्या का दिन ही कुछ लोग कर लेते हैं, अथवा प्रतिपद के दिन के प्रातः काल कलश स्थापना, निर्भर होता है कौन सा अनुष्ठान हो रहा है उसके आधार पर, कि अमावस्या के दिन में ही शाम को दोपहर के बाद में ही उसको स्थापना कर लेते हैं, कलश की स्थापना, और उसके ऊपर उसी कलश के ऊपर में जो अपने अनुष्ठान का देवी देवता जो भी होगा उसकी मूर्ति की स्थापना, कलश के ऊपर, कलश के ऊपर मूर्ति स्थापना पूर्व दिन में, पूर्व दिन ये स्थापना हो जाए, नहीं तो उस दिन इतना काम बढ़ जाता है पहला दिन कर नहीं पाएंगे, फिर शॉर्टकट करने का आदमी गड़बड़ कर देता है, ये पंडित लोग कर देते हैं, पूर्व दिन मेहनत करते हैं नहीं, तो उस दिन ही सब करने के चक्कर में रहते हैं, ये पूर्व दिन कृति में इसलिए इसको लिया गया है। स्थापना करके प्रायश्चित होम, प्रायश्चित होम क्या, ये सब पूर्व दिन के दिन में करने वाले प्रातः काल से आरंभ करके किए जाने वाले कर्म, फिर पूर्व दिन के रात्रि में जो तैयारी करनी है एक तो कूर्म चक्र निर्माण करना है अमावस्या का रात को, पूर्व दिन रात्रि कूर्म चक्र निर्माण करें, एक लिंग तो भद्र का निर्माण करना है, दो स्थंडिल निर्माण करने हैं, और दो पीठ का निर्माण करना है, दो स्थंडिल और दो पीठ, ऐसे तीन आसन की भी तैयारी होनी चाहिए, तीन अलग अलग आसन, और दीपक विशेष रूप में तैयार करना, ये सब तैयारी है।
इसे कोई पूजा वूजा नहीं होगी। कूर्म चक्र को लिखना पड़ता है, एकलिंग भद्र को लिखना पड़ेगा, है ना। स्तंडिल मैंने रेत से जो है हवन करने के लिए दो अलग अलग स्तंडिल, एक तो माला का शुद्धिकरण आदि हवन के लिए अलग स्तंडिल होगा और एक अन्य स्तंडिल एक अलग होंगे, दो स्तंडिल होगा। और एक पीठ जिसमें पंचांग वेदी हम लोग कह देते हैं उसको, जिसमें हमने कलश स्थापना किया उसमें अन्य काम उसमें तैयारी करना है, नवग्रह हुआ, षोडश मातृका हुई, ये सब तैयारी करनी, ओम हुआ, ओम श्री हुआ, ये सब जो बनाते हैं वो बना के रेडी कर लेना। फिर एक दूसरा पीठ होगा जो सप्त घृत मातृकाओं को बनाएगा, न स्तंडिल नहीं पीठ, दो पीठ है ना, एक पीठ पे जिसमें आपने कलश स्थापना की है वो पीठ बड़ा रहेगा, उसमें फिर ओम लिखा जाएगा एक तरफ, एक तरफ श्री श्रीम करके लिख देंगे या श्री करके लिख देंगे, फिर इधर नवग्रह बनाया जाएगी, हाँ दक्षिण की तरफ नवग्रह दक्षिण तरफ होता है, फिर षोडश मातृका दाहिने तरफ, बाईं तरफ नवग्रह और दाहिने तरफ उसका षोडश मातृका है, और सामने में गणेश अंबिका का आसन लगेगा, गणेश और अंबिका, ये एक पीठ में तैयारी होनी पड़ेगी। हाँ ये पीठ उसी को बोलते हैं, चौकी बोलो आज की भाषा, चौकी का संस्कृत में पीठ कहा जाता है। हाँ उसी से उसी सब साइज होगा, बड़ा होगा जैसे इतना साइज बनाया जाता है, इसलिए हमने तो ये रखा था ना यहाँ पर जब कर रहे थे, ऐसे दो थी, दूसरा तो वहां रखा था गड़बड़ हो गया, वो कहीं पड़ा होगा, दो चाहिए दूसरा होगा वो छोटा भी चल जाएगा दूसरा वाला, तो उसमें आपको सप्त घृत मातृका का बनाया जाता है उस पीठ पे, उस पर पीठ छोटा होगा उसके ऊपर खड़ा एक लकड़ी होगी फलक, उस फलक पर सप्त घृत मातृका कही जाती है, उसकी पूजा होता है, पुराना बना होगा सप्त घृत मातृका का। तो ये जो तैयारी इतनी आपको करना पड़ता है, मैंने सप्त घृत मातृका दूसरे पीठ जो है सप्त घृत मातृका होगी, उसमें या फ्लैट में भी लिख सकता है तो उस पर वास्तविक लकड़ी पर ऊपर रखा जाता है, खड़ा खड़ा रखने पड़ते कम से मुझे आपके हाथ के एक वितस्ती का जाती इतनी चौड़ा, इतना चौड़ा होनी चाहिए लंबाई एक हाथ की होनी चाहिए, उसके ऊपर सप्त घृत मातृका बनाई जाए, कपड़ा लगा करके सफेद कपड़ा डालेंगे उसके सप्त घृत मातृका तैयार। पीठ को अपने अनुकूलता से जितना बड़ा बना लो उतना बड़ा विस्तार पट बना सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पीठ की क्या साइज होगी उसमें, अपनी मर्जी है। और तीन आसन इसलिए कह दिया, एक गणेश के लिए आसन होता है, एक अंबिका के लिए आसन होता है, और एक खुद के लिए आसन, तीन आसन तैयार रखना होता है, और दो आसन देवी देवता जो होती वो छोटे छोटे आसन होंगे, अपने बैठने के तो बड़ा आसन होगा, कुछ आसन होगा कुछ होगा उसके ऊपर सिल्क का एक होगा रेशम की, फिर उसके ऊपर एक कॉटन का रुई का कपास, चैल अजिन कुशोत्तरम कहते हैं ना गीता में भी, चैल अजिन और कुश, या अजिन के जगह पर हम चमड़े का कहाँ से लाएं, उसके ऊपर जो है हम लोग रेशम रखते हैं, वो भी कीड़ा से बना हुआ चीज है ना, इसलिए अजिन के बराबर माना जाएगा उसको, जंतु से बना हुआ चीज, जीव से बना हुआ है, इसलिए कुशा, कुशा के ऊपर रेशम का, रेशम के ऊपर कारपास माने कॉटन का, आज की भाषा में कॉटन कपास का, ये अपने लिए तीन आसन अपने लिए होगा। और देवताओं के लिए साधारण पुष्पासन से भी काम चला लेते हैं ना, तो झंझट नहीं देवी देवी उन दोनों के लिए, गणेश जी के लिए जो है देवी अंबिका के लिए पुष्पासन से भी काम चल जाता है, हाँ डेली यूज के लिए भी ऐसे ही होता है पूजा पाठ, तीन आसन अपना, ये सब पूर्व तैयारी होगी। इसके अलावा पूर्व दिन में आपको अन्य जो तैयारी करें, जैसे पंचपात्र के पांच पात्र, पंचपात्र होना चाहिए ना, उसके लिए अलग अलग, वो तो बाद में देखेंगे, पहले प्रतिपद दिन हमें करना क्या, पहला दिन जो होता है उठते हैं, उठते ही बराबर बैठे में ही आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन सबसे पहला उठ के, उसमें ज्यादातर अद्वैत वेदांत के मंत्र होते हैं, चाहे देवी हो चाहे देवता चाहे कोई भी हो, अद्वैत पर चिंतन कर, जिसकी हम पूजा करना अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसके साथ अपने का अभेद चिंतन कर, ये आत्मचिंतन।
आत्मचिंतन के बाद कर दर्शन, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती मंत्र से कर दर्शन, कर दर्शन के बाद दाहिना पैर को जमीन पर रखना, उसके लिए रखने से पहले हाथ जोड़कर पृथ्वी को देखते हुए पृथ्वी मंत्र बोलना, समुद्र वसने देवी परतस्तंड मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम, यह हाथ जोड़ के पृथ्वी से प्रार्थना करते हुए तब अपने पैर को दाहिना पैर को पहले नीचे रखे, फिर बाएं पैर को रखे, फिर आगे बढ़े। उसके बाद उस दिन की मंगल स्नान, शुद्ध साधारण जल से चाहे नदी में स्नान करो चाहे अपने स्नान घर में स्नान करें, जहां भी स्नान करें मंगल स्नान करें, मंत्र पूर्वक ही वस्त्र धारण करें, मंत्र पूर्वक भस्मी आदि अपना जो भी तिलक है अपने अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक धारण करें, फिर जो है शांति पाठ अनोभद्रा, फिर संकल्प। फिर कूर्म यंत्र के ऊपर दीप की स्थापना, दीपक को प्रज्वलन करना, दीपक का पूजन, फिर शंख का पूजन, शंख का नाप, घंटा पूजन, घंटा नाद, गणेश अंबिका पूजन, पुण्यावाचन, ये क्रम है। नहीं वो तो गणेश अंबिका पति पति से कोई लेना देना नहीं है, गणेश जी का पूजा और देवी का पूजा, उसके बिना हम कोई कर्म आगे बढ़ ही नहीं सकते, ना पति से कोई लेना देना नहीं, गणेश जी भी निवारण करेंगे, अंबिका शक्ति प्रदान करें, इसे दोनों की पूजा करके हम आगे कर्म को बढ़ाते हैं। गणेश अंबिका पूजा, फिर उनका कम से कम पंचोपचार आदि, उनका आह्वान स्थापना करना, आह्वान करना सारा करके पंचोपचार उनकी पूजन करके फिर आगे बढ़ना। पुण्यावाचन के बाद गणेश का पूजन कर पुण्यावाचन, जो कलश में या लोटे में जो आपके आचमनीय लोटा हो तो उसी जल को आह्वान करके फिर उसे छिड़केंगे ना, सब शुद्धिकरण आदि होगा, यजमान का अभिषेक होगा, उसको पुण्यावाचन कहते हैं मंत्रों से। पुण्यावाचन के बाद यजमान का अभिषेक, द्रव्यों का अभिषेक, शुद्धिकरण, फिर उसके बाद मातृ का पूजन होगी, तो सब पहले षड विनायक पूजा, नहीं नहीं उसी मातृ पूजा के अंदर एक गिना रहा हूं, उसके सामने चार चीज होगी, सबसे पहले षड विनायक पूजा, फिर वो जो षोडश मातृ का बनाए थे ना, पता ना षोडश मातृ का बनाते पीढ़ एक पीठ पे, षोडश मातृ का पूजन, दूसरे पीठे बनाए हुए जो सप्त घृत मात्र का और सप्त स्थल मात्र का पूजन, पीठ के ऊपर जो है फ्लैट में समतल पे सप्त स्थल मात्र का होती है और जो खड़ी लकड़ी है उस पर सप्त घृत मात्र का, षड विनायक षोडश मात्र का सप्त घृत मात्र का और सप्त स्थल मात्र, इनको मात्र का पूजन नाम से कहा जाता है। इतनी तैयारी के बाद हम माला को तैयार कर लेंगे, सब माला के संस्कार
दस संस्कार होते हैं उनको किया जाएगा। माला संस्कार उसके हवन समाप्त कर लेंगे, फिर जिस मंत्र का अनुष्ठान करना है उस मंत्र के संस्कार, मंत्र संस्कार, मंत्र के तदर्थ हवन, फिर मंत्र का न्यास, मंत्र को शुद्धिकरण का हवन है केवल, मंत्र के जाप का हवन नहीं है, तो अंत में होगा अनुष्ठान के बाद। मंत्र संस्कार तदर्थ हवन, संस्कार के लिए जो की जाती हवन वो हवन, फिर लौटेंगे पूजा स्थल पे, या अलग स्थल में किया जाएगा, जो अलग स्थंडील बना हुआ है उसके लिए ही माला को शुद्धिकरण करना, संस्कार करना, और माला का हवन और मंत्र का संस्कार, मंत्र का हवन, वो एक जगह पर हो, वो थोड़ा अलग जगह पर, फिर इसलिए वापस पूजा स्थल पर लौटेंगे, नांदी श्राद्ध करके, ये नांदी श्राद्ध करके दूध और जल मिक्स कर थोड़ा किया जाता है, कर्म मंत्रों का आएगा, उसके बाद द्वार पूजा, फिर द्वार पूजा, द्वार कल्पना करेंगे, नहीं तो द्वार नहीं है तो क्या करें, भंग किया तो अलग ही पूजा मंडप बनता है ना, उसके द्वार होता है, जैसे पूजा की मंडप जैसे बना देते हैं लोगों, घरों में भी होती छोटे मंडप जैसे बना लेते हैं, उसके द्वार होती है, द्वार की पूजा करने का नहीं है तो कल्पना करें, मानस द्वार कल्पना करके उसकी पूजा करना, तो ये ना ना घर के द्वार, पूजा का जो स्थल होता है उसमें आप ना केले का पेड़ लगा देते हैं, सब पूजा तैयारी नहीं करते हैं, उसके द्वार अलग हो, या तो पूजा मंदिर ही अलग बनता है हम लोगों के, जैसे कमरा अलग बना दिया, पूजा स्थल है हमारी, तो वह बाहर वो कर लिया, बाहर के फिर मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तो मंदिर का जो द्वार होगी उसी में पूजा, उसे भी चार दिशा के चार द्वार होते हैं, जब अलग बनता है पृथक पूजा के स्थल बनते हैं तो चार द्वार होता है, जैसे श्रीयंत्र में भी चार द्वार है ना, वैसे ही पूजा स्थल का भी चार द्वार बना लेंगे, वो सब टेम्पररी, फिर परमानेंट कमरा होगा नहीं, वो सब छप्पर से बनाई जाएगी, जैसे हवन कुंड बनते हैं छप्पर, वैसे पूजा स्थल भी बनता है अलग से, उसे चार द्वार होंगे, चारों द्वारों में चार बार पूजा होगी, सब अलग रहेंगे। विधिवत देखना है तो यहाँ पर अब नवरात्र जब होता है ना, अभी तो निकल गया, अगले नवरात्र में देख सकोगे आप, जो दक्षिण से आते हैं और करते हैं लोग, वो छप्पर की पूजा मंदिर बनाएंगे, छप्पर का हवन कुंड अलग बनाएंगे, सब अलग अलग बनते हैं, ये जो है गायत्री लोक आश्रम एक है, ये आंध्र निर्वाण आश्रम है ना, त्रिवेणी घाट पे दंडीवाड़ा है, आंध्र निर्वाण आश्रम है उसके पीछे गायत्री लोक आश्रम, वो लोग क्या करते हैं, दंडीवाड़ा वालों के बगीचा लेकर के वहाँ कार्य करते हैं, वहाँ देखने को मिले कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग दोनों को सब देवी का ही मुख्य रूप होता है नवरात्र में, वो पूजा विशेष होता है, तो वहाँ द्वार पूजा होती, नहीं तो ये कि मानस कल्पना करोगे द्वार को उर्ध्व भाग है, दक्षिण भाग है, अधो भाग है, वाम भाग है, अंतर भाग है, बहिर्भाग, कल्पना करके उसकी पूजा, द्वार पूजा के बाद कूर्म चक्र पर जल से फिर त्रिकोण बना करके फिर आसन की पूजा, जिस पर हमें बैठना है, उसके नीचे कूर्म चक्र या तो बनाओ या तो बने बने कूर्म चक्र रख दो, फिर उसको आचरण जल से शुद्धिकरण करके फिर उस पर अपना आसन, जो कुश आसन फिर जो है अजिन आसन, अजिन के जगह पर जो है कौशेय आसन, कोश से बना कौशेय वस्त्रम कहते हैं, इसलिए पीत कौशेय वासम, भगवान विष्णु के लिए कहते पीले जो है रंग का सिल्क का कपड़ा भगवान पहनते हैं, वो अपने आसन जो भी रंग का मिले सिल्क का, उसके ऊपर कार्पास आसन, उनको रख के उनके शुद्धिकरण, फिर उसका भूत शुद्धि, भूत शुद्धि करके भूतोच्चाटन, अपसर्पण तो ये भूता है ना, मंत्र बोल के सबको भगाओ, भूत प्रे सब भाग जाए यहां से, फिर दिग्बंध
दिक्कीलन, इसके लिए 10 जो है आपके कीलन के लिए कील बनाने पड़ते हैं पीपल के पेड़ के लकड़ी, 10 छोटी छोटी कील जैसे कील बना, हाँ डंड 10 बनाने पड़ते, 10 दिशाओं में उसको बांध दिया जाए, भूतो चाटन कर देंगे और दिग्बंध करने के लिए उम्र दिग्बंध बोल देते हैं, फिर दिग को कीलित किया जाए ताकि अब कोई और जब तक हमारे अनुष्ठान होना है तब कोई अन्य चीज़ें प्रवेश न करें, भूत प्रेत आदि प्रवेश न करें, उसके लिए 10 दिशा में 10 कील गाड़ दिया जाए, बांध दिया जाए, गाड़ेगा कहाँ, ठोकना है नहीं वो चीज़ तो बांधने की है, तो उसे सब बांध दिया, जहाँ अपने द्वार जहाँ भी हम अनुष्ठान करने बैठे हैं उसके 8 दिशा में 8, एक छत के ऊपर एक अपने आसन के नीचे, कील बंधन होगा, दिक कीलनम बोलते हैं, 200 दिशाओं को कीलित कर देगा, दिक कीलन कर्म होगा। उसके बाद स्वप्राण प्रतिष्ठा, अपने में उस देवता को लेकर प्राण मंत्र को ऐसे प्राण प्रतिष्ठित करना, फिर अंगन्यास, पहले ऋष्यादि न्यास होगा, फिर करण्यास हृदयादि न्यास, फिर करण्यास न्यासत्रय, फिर मातृका न्यास, मातृका में भी सर्वसामान्य मातृका न्यास होगा, फिर अंतर मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास, मातृका न्यास होती है। वैसे तो न्यास तो बहुत होते हैं, ये न्यूनतम की बात बता रहा हूँ, किसी भी अनुष्ठान के सर्वसामान्य की बात कह रहा हूँ, कोई भी कर्म का अनुष्ठान हो उससे मैं किए जाने वाली चीज़ बता रहा हूँ, फिर जो श्रीयंत्र करना हो तो उसका विशेष क्या होगा वो अलग है, ये तो सर्वसामान्य की बात चल रहा है, समझ रहे। तो मातृका न्यास में 2 बोले 3 होती है, सर्वसामान्य मातृका न्यास, अंतर मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास, ये 3 ही न्यास हो गया, और अंगन्यास में भी 3 हो गए, एक ऋष्यादि न्यास, करण्यास, हृदयादि न्यास, तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले हृदयादि कर दो बाद में करण्यास कर दो, 3 वो 3 ये कुल 16 न्यास हो गए, इसको तो हम लोग 16 न्यास, जिस मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं जिस चीज़ के अनुष्ठान कर रहे हैं उसका ऋषि जो हैं उस ऋषियादि न्यास करना, फिर उसी से लेकर के करन्यास या जो भी मूल मंत्र आदि है उसको लेकर करन्यास होगा, हृदयादि न्यास हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में मातृका न्यास करेंगे, उससे भी सामान्य मातृका न्यास, अंतर मातृका न्यास, बहिर्न्यास, ये 6 न्यास न्यूनतम करना पड़ता है, जो 16 न्यास कहा जाता है। और जिन ग्रंथ आदि का पाठ कर रहे हैं स्त्रोत्र आदि का पाठ कर रहे हैं तो वह मात्र का न्यास नहीं होगी, वहां तो 3 ही न्यास हो जाएगा, ऋषि आदि, करन्यास, हृदयादि न्यास। इस न्यास के बाद पीठ का न्यास करना पड़ेगा, जिन पीठों में देवताओं की स्थापना कर रहे हैं उन पीठों का न्यास, पीठ न्यास बोलते हैं उसको भी अपने शरीर में, पहले बाहर तो पीठ तैयार ही है, पूजा तो कर दिया, स्थापना कर रही है सबका, अब इसलिए अपने शरीर में बाहर में स्थित पीठों का न्यास, पीठ न्यास बोलते हैं अपने शरीर में। फिर अंतर्याग, बहिर्याग, इसके बाद में अब मूल देवता की पूजा के लिए पाद्य आदि पात्रों की स्थापना करनी है, पाद्य उसे भी 2 हो गया, अंतर्याग बहिर्याग, पीठ न्यास के बाद मानस से अंतर और बहिर्याग करनी है पूजा। इसके बाद क्रम से पाद्यादि पात्रों की स्थापना, क्रम से रखना पड़ेगा उसको, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, इन पात्रों की स्थापना कर, पंच पात्र की स्थापना, 5 उन पीठन्यास हो गया ना अपने शरीर में, जो बाहर पीठ है उसको अपने अंदर कर लिया, उसके बाद जो है अंतर्याग बहिर्याग कर लिए मानस, फिर अब बाह्य पूजा आरंभ करने के लिए पाद्यादि पात्रों की स्थापना, पाद्यादि पंच पात्र आदि स्थापना करना, उसके बाद मुख्य पीठ की पूजा आरंभ होगी। चाहे मूर्ति रखो, चाहे चित्र रखो, चाहे यंत्र हो, जो भी हो मूल पीठ पर रख करके उसकी स्थापना करके
उसे प्राण प्रतिष्ठा करना आदि सारी पूजा पद्धति तब शुरू हो जाता है। जो भी होगा जैसे अलग अलग होगा वो, जहाँ जैसा देवी देवता जिसकी भी कर रहे हो उसके आधार पर अलग अलग विशेष पूजा आरंभ हो जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया हो। अब इन चीजों के लिए आप इसमें अनुष्ठान प्रकाश पुस्तक में जो है वो देखिए, है ना, पुस्तक निकाल उसे समझिए कि करके। नियम जो भी है इसमें सबसे पहले बताएंगे भाई अनुष्ठान का अपना अपना जो भी तय है उसके आधार पर काल का निर्णय करना। कोई अनुष्ठान होता है जैसे हम चिंतामणि मंत्र करेंगे तो एक महीने का अनुष्ठान होता है, उसमें कौन से दिन शुरू करना है, कैसे शुरू करनी है, अलग अलग है। शुक्ल पक्ष से शुरू करें तो दिक्कत होएगा, इसलिए वहाँ तो कृष्ण पक्ष से शुरू करना पड़ता है, कहीं पूर्णिमा पर उसका हवन करनी है एक महीने में, कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे पूर्णिमा में उसकी समाप्ति होगी। इसे काल का निर्णय पहले कर लेना, कितने दिन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसी हिसाब से आपको सबसे पहले काल निर्णय होगा। फिर दूसरा में आचार्य निर्णय कि कोई ना कोई ब्राह्मण पंडित आदि को पकड़ना पड़ता है, आचार्य का निर्णय करो कैसा कर्म है, उसके अनुसार किस प्रकार का विद्वान को आचार्य को अपने में वर्ण कर लेना है। तो मातृत्व पितृत्व शुद्ध हो, शुद्ध भाव हो, जितेंद्रिय हो, उत्तरी दिन तक आपको साथ देने के लिए भी ब्रह्मचर्य आदि में रहने को तैयार हो, वो सारी चीजें देख कर आचार्य को वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि हवन तो उसके माध्यम से ही होगा और उसे आचार्य को भोजन कराना ही पड़ता है, एक ब्राह्मण भोजन तो कराना ही है, इसलिए उसको रखना। पहला पृष्ठ में ये चीजें हैं आपको, काल नियम, फिर आचार्य लक्षण दिया है, देखिए शारदा तिलक ग्रंथ के आधार पर आचार्य लक्षण नीचे से 1, 2, 3, 4 आचार्य लक्षण, अतः अनुष्ठान योग्य आचार्य लक्षण, ऊपर से आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 7वें पंक्ति में अनुष्ठान काल नियम। पहले तो मंगलाचरण उन्होंने किया ना, ग्रंथकार ने अपने मंगलाचरण 5-6 कर दिया है, उसे छोड़ के सबसे पहला चीज है काल नियम, सर्वमंत्र अनुष्ठान काल नियम ऊपर 7वीं पंक्ति है, नीचे से 5वीं पंक्ति में आचार्य योग्य आचार्य लक्षण। ये दो निर्णय जब हो जाता है फिर स्वयं का नियम क्या क्या होता है, जापक के जप करने वाले आप स्वयं हैं, आपको कैसे होना चाहिए, क्या क्या नियम आपके लिए है, क्रोध नहीं करना है ना, ऐसा जो खाली समय में भी आलस ना आ जावे, कुछ पुराण आदि को नियम ले लो, पाठ करो, जो देवी है जो देवता पूजा कर रहे हो उसी देवता का जो संबंधी पुराण है उसको पाठ करने का नियम बना लेना, ताकि जब व्यर्थ समय में फालतू चीजों में आपका मन ना भागे। अपना नित्य पूजा हो गया, जाप हो गया, दोपहर आदि काल में खाली है या रात्रि खाली है उस समय उस पुराण को बांधो, जैसे देवी की पूजा कर रहे तो देवी का संबंधी पुराण, विष्णु की पूजा करें तो विष्णु पुराण पाठ कर रहे, शिव की पूजा करें तो शिव पुराण का पाठ हो गया। इस तरह से ये सब नियम बताए जापक के लिए, जो नियम है कैसे आपको अनुष्ठान काल पर्यंत रहना है वो नियमों को आप देखिए। फिर स्थान निर्णय, जापक का नियम आया आपको दूसरे पन्ने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में देखिए, जप योग्या ब्राह्मण जापक अष्टद्विजा शुद्धा कुलीना ऋजवस्त तथा स्नान संध्या रता नित्यम शौचाचार परायण इत्यादि। यदि आप दूसरे ब्राह्मण को वर्ण कर रहे हैं जप कर रहे, उसके अंदर ये सब लक्षण होनी चाहिए, खुद कर रहे हो तो खुद के अंदर ये सब लक्षण कल्पना करनी पड़ेगी और या उसको अनुकूल बनना होगा, जो नियम है उसके अनुसार चलना होगा। फिर उसके बाद वहां से 10 पंक्ति नीचे देखिए, अनुष्ठान योग्या देशा, स्थान निर्णय होगा किस दिशा में, जापक निर्णय आचार्य के बाद जापक स्वयं हो या ब्राह्मण हो, जापक निर्णय, फिर देश निर्णय करो, ये लोग कहाँ बैठेंगे, हम स्वयं बैठे तो कहाँ बैठे, कहाँ करें, क्षेत्र को हो, देश स्थान हो, कमरा, उसमें फिर दिशा आदि तय होगा ना,
वो निर्णय दिया शारदा तिलक में ही। पुंडक क्षेत्रम नदी तीरम ग्वा पर्वत मस्तकम तीर्थ प्रदेशा सिंधु नाम संगम पावनम वनम उद्यानानि विविक्तानि बिल्वमूलम तटं गिरेः देवतायतनम कूलम समुद्रस्य निजं गृहं साधनेषु प्रशस्त्यन्ते स्थानानि एतानि मंत्रिणाम। मंत्र जप करने वालों के लिए ये स्थान श्रेष्ठ हुआ करते हैं। या तो कोई भी तीर्थ स्थल ले लो, नदी का तट ले लो, गुफा ले लो, पर्वत मस्तकम या पर्वत की चोटी पे बैठ जाओ, तीर्थ प्रदेश आ। देखो अनजान में हम लोग कर लिए हैं, तीर्थ पर्वत मस्तक पे बैठा था जब पहली बार अनुष्ठान किया कर्नाटक में, मन में आने पहाड़ी के ऊपर बैठेंगे, इधर उधर मंदिर वंदिर में नहीं रहेंगे, नजर आए घंटा बजाएंगे हल्ला करते रहेंगे, बेकार झंझट रहेगा, ये कौन बैठा है क्या कर रहा है, दुनिया की बातें उठती है। तो ये लोग एकदम वो एक जैसे होता ना नहर बनते हैं, नदी को बांध बांध दिया, नहर खोद दिए हैं और नदी के किनारे ऊपर ऊपर कोई नहीं जाता, जहाँ झील बन जाता है वो ऊपर चला गया एकदम अंदर। एक छोटी सी पुरानी मंदिर थी वहाँ कोई जाता ही नहीं था, उन्होंने कही जगह ठीक है ये कहाँ सा। वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था बंधे के पास। वहाँ एक दुकानदार, एक छोटी सी दुकान थी, जो ऑफिसर आते जाते हैं कर्मचारी उनका था स्थान, उस दुकान वालों को जो आएगा हम सामान यहाँ रख लेना, उन उनको गाँव लोग कह दिए तू सामान यहाँ छोड़ देना, दूध वगैरह रोज हमें जो जरूरत है रोज शाम को आना वॉकिंग वहाँ पे, वहाँ से सब सामान लेके चलना, कोई आता नहीं जाता नहीं कुछ, निर्जन देश एक आश। ऐसे कोई पर्वत की चोटी पर है अथवा तीर्थ प्रदेश सिंधु नाम संगमा समुद्रों के संगम से जैसे कन्याकुमारी आदि होता है, पावन वनम या कोई पवित्र जंगल हो, उद्यानानी या पवित्र बगीचा हो, लेकिन वो बगीचे में लोग आवे जावे नहीं, वहाँ विविधता नहीं, हाँ सर ये सब स्थान ऐसे हो जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, बिल्व मूलम या बिल्व पेड़ का मूल, तटंग गिरे है या गिरी के तट में भी पहाड़ के तटों में भी बैठ सकते हैं, या कोई मंदिर हो लेकिन वहाँ भी शांत एकांत स्थान ढूंढो, उसमें कूलम समुद्र से या कोई भी समुद्र के तट निजं गृहं वा अतः अपना घर सबसे बढ़िया। इतने स्थानों को स्थानेषु प्रशस्यन्ते। तुलसी का नंग गोष्ठम ऋषभ माल्या अनेक अलग ग्रंथों में और भी अनेक स्थानों को वर्णन किया है, जिनमें भी आपका अनुकूल होगा वहां बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद आसन के बारे में देखिए अगला पृष्ठ तीसरी पंक्ति अंत में, आसन त्रिविधम तत्र चाद्यम आस्तरण स्मृतम देह साध्यम स्वस्तिकादि देवार्थं च तृतीयकम्। आसन भी 3 प्रकार के बता दिया, आद्यम आस्तरणम स्मृतम, पहला वाला है कुश का जो फैला करके उस पर बैठ जाना, दूसरा है शरीर को ही आसन मान लो देह साध्यम, तीसरा है स्वस्तिकादि देवताओं के लिए जो की जाती है वो आसन होगा। और भी अलग अलग ग्रंथों में इसी प्रकार से वर्णन अनेक प्रकार के आसनों के बारे में दिया। फिर उससे आगे बीचों बीच ग्रंथ मिलेगा आपको माला विचार मंत्र खंडे बीच में माला को लेकर, तीसरे पन्ने में बीचों बीच में देखा था माला विचार मिला मंत्र खंडे ब्रैकेट में आगे लगा स्फाटिकी मौक्तिकी वापी प्रोत्तव्यासित सूत्र कई सर्वकर्म समृद्ध्यर्थम जपित रुद्राक्ष मालया धर्मार्थ काम मोक्षार्थम जपित पद्माक्ष मालया अरिष्ट पुत्र जीवश्च शंख पद्म मणिस्तथा कुश ग्रंथिश्च रुद्राक्ष उत्तम चोत्तरोत्तरम। कहते माला के अगर स्फटिक का हो, मुक्ति का मणि का हो, मोती का हो, सबसे बोलते अंत में कहते सबसे बढ़िया तो रुद्राक्ष माला है। किसी भी कर्म के सर्व कर्म समृद्ध जपे रुद्राक्ष माला, कोई भी कर्म वहां विचार करने की जरूरत नहीं है रुद्राक्ष। बाकी माला विचार करना पड़ेगा इसे करना है कि नहीं करना है, कौन सी देवी है तो कौन सा दाने का होना चाहिए, स्फटिका सरस्वती के लिए करते हैं लोग, कमल गट्टे का जो है लक्ष्मी के लिए करना, अलग अलग मालाएं अलग अलग देवी देवताओं के हिसाब से कर सकते हैं, या उसमें शंका न रह जाए मन में तो सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पकड़ो, कोई भी देवी कोई भी देवता कोई भी मंत्र हो रुद्राक्ष करना स्वीकार। और उसमें धागे भी प्रयोग करना है, कैसे धागा होना चाहिए, सफेद धागा लाल धागा काला धागा, मंत्र और मंत्र की संकल्प में क्या उद्देश्य है उस पर निर्भर है, तामसी लाभ के लिए
काले धागे होते हैं, राजसी लाभ के लिए लाल धागा होता है और सात्विक लाभ के लिए सफेद धागा होता है। इसे माला पिरोया जा रहे जिस धागे से उसके रंग भी महत्व रखता है, कौन से रंग के धागे से आप माला को बना रहे हैं। इसलिए हम लोग झंझट से मुक्ति के लिए हमेशा सफेद धागा, पहले छोटे सफेद धागा ले लो और उसे बना झंझट टीका लो, क्या कुछ चीजों में जाए। अपना तो अनुष्ठान करने ब्रह्मचारी महात्माओं के लिए तो सात्विक ही होगा, सात्विक विचार होता है, सात्विक लक्ष्य होते हैं, इसे सफेद धागे से पिरोया हुआ माला रखना। नीचे दिया देखिए अंतिम पंक्ति में सूत्र विचार, मालायाम सूत्र विचार लास्ट लाइन में देखिए इसी पन्ने का सनत कुमारी संहिता में लिखा है, कार्पास संभवम सूत्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम तच्च विप्रेन्द्र कन्या निर्मितं च सुशोभनम शुक्लम रक्तम तथा कृष्णम, है ना, शुक्लम रक्तम तथा कृष्णम पट्ट सूत्रम अथापि वा शांतिवश्याभिचारेषु मोक्षेश्वर्य जपेषु च शुक्लम रक्तम तथा पीतम कृष्णम वर्णेषु चक्रमात। अरे ब्राह्मण हो तो ये भी जाति के आधार पर ही, ब्राह्मण कर रहे हैं हम शुक्ल, क्षत्रिय तो लाल, वैश्य तो सफेद, शूद्र है तो कृष्णम वर्णेषु चक्रमात सर्वेषामेव वर्णानाम रक्तम सर्वेप्सित प्रदम। यदि कामना को चाहते हो तो लाल रंग पकड़ो, सकाम कर रहे हो तो त्रिगुणम त्रिगुणीकृत्य ग्रते शिल्पशास्त्रतः एक एकम मातृका वर्णम सतारम प्रजपन सुधी मणिमादाय सूत्रेण ग्रतेन मध्यमत्य ब्रह्म ग्रंथि। ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार की ब्रह्म ग्रंथि होनी चाहिए, कौन सी ग्रंथि है, विधाय इत्थम मेरुंच ग्रंथि संयुतम, उसे भी मेरु अंत अवश्य ऊपर में बनाना चाहिए। उसके बाद आता है अंगुली प्रयोग का नियम, माला में अंगुली कैसी अंगुली से किस कर्म के लिए प्रयोग करना है, मारण प्रयोग करना है तो इसी से चलाना पड़ेगा, इसे वो भी उल्टा यूं माला को यूं यूं घुमाओ मारण करने के लिए, अन्यों के लिए यूं यूं अपनी ओर घुमाया जाती है, रख दिया अपनी ओर घुमाया जाता है, तो निर्भर इसलिए किस अंगुली से कैसे करना है, सेतु कैसे बनानी है, ये सेतु मानी जाती है, इसके ऊपर इसको चलाना है और पकड़ना पड़ता है, इसलिए उल्टा घुमाना होता है ना, पकड़ के घुमाना पड़ता है माला जो घुमाना है, जो पूरे एक घाट पूरा हुआ तो वो विधि के अनुसार जो है आपको सुविधा के लिए बता रहे हैं कैसे करना है। अंगुली नियम अंगुष्टम मोक्षदम विद्या तर्जनी शत्रुनाशिनी, अंगुष्टम कदे मोक्ष देने वाला है अंगूठे से घुमाना, तर्जनी शत्रुनाशिनी, तर्जनी शत्रुनाशिनी मध्यमा धनदा शांति करी हे शाही अनामिका, धनदा मध्यमा और अनामिका शांति करी, कनिष्ठा आकर्षणे शक्ता सस्ता जप कर मणि शोभने, और कनिष्ठा से आकर्षण कर्म करना, दुनिया वशीकरण करना, आकर्षण करना, कनिष्ठिका से घुमाना है इस माला, यूं पकड़ लिया और इससे घुमाओ उसको, अलग अलग बता पांच अंगुली से किसी भी अंगुली से घुमा सकते हैं, यूं घुमाते हैं लोग देखते हैं आप अंगूठे से घुमा रहे हैं, अंगूठे से घुमाते हैं ये मोक्ष देने की, बौद्धों में ज्यादातर यही होता है, बौद्धों में अंगूठे से चलना, मुसलमान भी चलाता है वैसे ही से, हाँ करते हैं हिंदुओं में करते हैं, मोक्ष देने के लिए बता देना अंगूठे से मोक्ष देने के लिए, ये शत्रुनाश के लिए, शत्रुनाश के लिए शुभ सकल कामनाओं की प्राप्ति के लिए ये बता दें, ये शांति के लिए, ये वश कर आकर्षण इत्यादि के लिए इसे, तो किसे घुमाएंगे आप उस पर निर्भर। फिर माला संस्कार कर बता रहे अश्वत्थ पत्र नव गई पद्माकारं तु कल्पयेत् तन्मध्ये स्थापयन् माला मातृका मूलमुच्चरत्। अश्वत्थ के नौ पत्ते लेने पड़ेंगे, अश्वत्थ पत्र नव गई उसमें कमला आकार बनाओ, एक इधर एक इधर मुंह है ना उसके, नौ ऐसे नौ दिशा में आठ दिशा में करके एक बीच में आगे बढ़ा देना, इस तरह नौ पत्रों से एक पुटिका जैसे बना लेना, दोना जैसे बना लिया, और उसमें बीच में माला रखनी है। माला मंत्र है, माला संस्कार करने का मंत्र अलग है, वो माला संस्कार का मंत्र से ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा ये मंत्र,
ओम सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ये माला संस्कार करने का मूल मंत्र माना गया। इस मंत्र को बोलते हुए माला को बीच में रखना, नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। व्याकरण के अनुसार तो नमः होनी चाहिए, इन वैदिक मंत्र में छांदस हो गया, नमो हो गया, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। दस माला जपनी करनी पड़ती है और एक माला से हवन करना पड़ता है, माला संस्कार वो शुद्धिकरण के लिए संस्कार करना। स्वाहा, तन्मध्ये स्थापयन् माला मातृका मूलम उच्चारय, यही मातृका मूल मंत्र का जप। क्षालयेत् पंचगव्येन, पंचगव्य से शुद्धिकरण करो, सद्यो जातेन सज्जलैहि, असज्जो जातम प्रपद्ये इत्यादि से शुद्ध जल के द्वारा शुद्धिकरण। फिर चंदनागुरु कर्पूर वाम देवेन घर्षये, वामदेव मंत्र के द्वारा चंदन अगरु कपूर से उसको घर्षण करो, उसके ऊपर हाथ में लिए हुए इसको रगड़ना, इस घर्षण करना। वहीं पढ़ रहा हूँ जा भी पढ़ा था, माला संस्कारा नीचे से पेज नंबर चार में, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौवीं पंक्ति, अथ माला संस्कारा तंत्र सार में और पुरचरण दीपिका में लिखी हुई है। अश्वत्थ पत्र नव कई पद्माकारं तु कल्पयेत्, तन्मध्ये स्थापयन् मालां मातृका मूलम् उच्चरन्, क्षालयेत् पंचगव्येन सद्यो जातेन सज्जलैः, चन्दनागुरु कर्पूरैर् वामदेवेन घर्षयेत्, धूपयेत् ताम अघोरेण लिम्पेत् तत्पुरुषेण तु। अघोर मंत्र, अघोर घोर उतरेभ्य मंत्र रुद्री में भी आता है, उस मंत्र से क्या करना, धूप दिखाना, और पुरुष सूक्त तत्पुरुषेण तु, तत्पुरुष मंत्र के द्वारा जिसको लिम्पेत चंदन से लेप दो। मंत्रे पंचमेन एव प्रत्येकं तु सकृत सकृतो, एक एक बारी करनी, ज्यादा बार नहीं करना। मेरुंच पंचई पंचमेन एव ततो मंत्रेण मंत्रये तत्र आवायजे देवं यथा विभव विस्तरे संस्कृत्येवं बुधो मालां तत्र स्थापये। पंचम मंत्र के द्वारा उस समय मेरु को पकड़ करके पांचवा जो जो पुरुष सूक्त के पांचवें मंत्र से उसको शुद्ध करना, फिर उस माला की पूजा करो पंचोपचार से। एवं च या संस्कृता माला, इस प्रकार संस्कार उस माला को लेकर के उसकी दशांश जो जप किया आपने 1000, उसकी दशांश के द्वारा मैंने 10 माला और उसके एक माला से उसका हवन कर, उसी से ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, उसको 10 माला जापनी पड़ेगी इस मंत्र माला में, फिर एक माला से हवन कर दिया। इस प्रकार संस्कारित करके संस्कृता माला जप कर मणि सर्वदा अभिष्ट फलदा अत्यर्थम सा सर्वाघ विनाशिनी, इस पर सकल पापों को नष्ट करते हुए अभिष्ट फल देने वाली वो माला बन जाती है, ऐसे शुद्ध करने से। फिर उसको गोमुखी आदि में जिसमें रखना हो रखो, उसके लिए आगे अंतिम पंक्ति माला स्थापनार्थम गोमुखी माह, गोमुखी में रख लिया। अब तो करमाला से भी कर सकते हो, बाह्य माला ना हो तो करमाला आदि से भी आप कर सकते हैं। फिर इन्हें अनेक नियम बताएंगे जापक जप करने वाले अनुष्ठान करने वालों के लिए, कर्तव्यता का नियम, प्रतिदिन जाप करके क्या कर्तव्य है वो वर्णन करेंगे। जपस्या हम पांचवे पन्ने का, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवीं लाइन, अतः जपे कर्तव्यताम आह, योगी याज्ञवल्क महाराज का थे, जपस्याम विधिम वक्षे यथा कार्यम विधानतः न चंक्रमन न प्रहसन न पार्श्वम अवलोकयन। जप का नियम बताऊंगा, विधि पूर्वक सुनो, क्या है विधि पूर्वक का जप करने की तरीका। न चंक्रमन, चलते फिरते हुए जाप नहीं की जाती है, न चंक्रमन न प्रहसन हंसते हुए भी नहीं, न पार्श्वम अवलोकयन इधर उधर देखते हुए भी नहीं,
नापश्रितो न जलपंश्च न प्रावृत शिरस्तथा। न अपाश्रितो, अपाश्रित होकर के भी नहीं, मैंने कोई सहायता लेकर के ना पीठ में लगा लेते हैं दीवार के सपोर्ट लेकर के, नहीं सीधा बैठ किसी सहारे के बिना। न अपाश्रितो न जलपन, न गप करते हुए बीच बीच बातचीत कर रहे हैं, ये करो वो करो बोल रहे दूसरे को और अपना फिर जब करना फिर बीच इधर उधर कुछ काम बताए किसी को, ये नहीं करना है। न प्रावृत शिरास्तता, और सिरा जिसे पूरे ढक करके बैठ जाए कम्बल आज ठंड लग रहा है बोल के ढक ढक के, वैसा नहीं करना, पूरा ढक करके भी नहीं बैठना चाहिए। न पदा पाद माक्रम्य न चाहिए वही तथा करो, पैर को पैर से आक्रमण करके भी नहीं, ये शिष्ट आसन में बैठी है लोग होता ना पैर पर पर लगा कर बैठ गए कुर्सी पर बैठे हुए पैर पर लाद कर कर जा पड़ रहे हैं, ये गलत है। सर पद्मासन से दासन जो भी आसन सुखासन ही सही, जो आसन आपका अनुकूल है उसमें बैठिए। न चाहिए वही तथा करो, इसी प्रकार हाथ पर हाथ लाद करके बैठ गए ना, हाथ पर हाथ लगा के बैठना नहीं, आसन बैठिए यूं बैठिए जाप कीजिए, हाथ पर हाथ लगा के बैठ के जाप करना भी गलत, या तो सपोर्ट लीजिए, हाथ का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं, वो लकड़ी का रगा और उसमें बैठ गया जप कीजिए। हाथ एक दूसरे इसका सहारा नहीं लेना, कहने का तो पैर से पैर सहारा ले नहीं, हाथ से हाथ का सहारा लेकर के बैठ के सुविधा प्रयोग करते हैं लोग, वो गलत है। और आगे लिखते हैं नैवम विदम जपम कुरियात न च संश्रावयन जपे, और दूसरे को सुनाते हुए भी जप नहीं करना, जब जप करते तो कोशिश ये होना चाहिए उपांशु या मानस, जब बिल्कुल एकांत हो तो बात अलग, कोई सुनने वाला ही नहीं है तो जोड़ा चिल्लाते हुए खरी भी कर ले तो चल जाएगा, लेकिन लोग बैठे हैं जा आ रहे जा रहे हैं वहां पर वैखरी से दूसरों को सुनाते हुए जप नहीं करना, दिखाने के लिए हम जप कर रहे हैं इसे दूसरों को सुना दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तिष्ठंश्चेद वीक्षमाणो और कम्मासीन प्रांगमुखो जपे, इसे बैठे हुए करना ही है आपने तो उच्च सर्वश्रेष्ठ हुई है, वो भी अर्कम सूर्य को देखते हुए अर्कम वीक्षमाणो मने पूर्वाभिमुख होकर करना सर्वश्रेष्ठ है। प्राग मुखो जपे प्राग अग्रेशु कुशेश्वेवम, प्राग अग्रेशु कुशाओं को बिछाएंगे कैसे, पूर्व दिशा की ओर उसका नोक हो ऐसे कुशाओं को बिछानी चाहिए, आज रेडीमेड आसन है तो पूर्व पश्चिम सब मुख में रहता घुमा कर बना दिया ना आसन को, तो नहीं तो अपने आप कुशा बिछा के बैठेंगे तो उसके जो अग्रभाग होते हैं उसको पूर्व की ओर मुख करता हुआ आसन कुशाओं को बिछाना चाहिए। प्रागग्रेश कुशेश्वेवम आसीनश्चासने जपे जपस्तेवमि कर्तव्य एकाग्रम मनसापि च, एकाग्रमन और इस प्रकार से जप करना चाहिए। और भक्षणादि के नियम बता रहे थे क्या खाना पीना क्या नहीं खाना पीना, नीचे वहीं आगे दो पंक्ति नीचे भक्ष्यादि नियम तंत्र सार में और गौतमीय स्मृति में लिखा पुरश्चरण किन्मंत्री भक्षा भक्षम विचार, ये प्रश्न कर रहा हो या मंत्र जप करने वाला, मंत्री कहते हैं हम वो मंत्री नहीं लेना आजकल के मंत्री, हम मंत्री हैं मंत्र जपने वाला उसको मंत्री, भक्षा भक्षम विचारे अन्यथा भोजनात् दोषात् सिद्धियां ही प्रजायते, भोजन के दोष के वजह से भी आपके मंत्र जप की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कहते कैसे, कहते शतान्नंच समश्नीयात मंत्र सिद्धि समीहया तस्मात् नित्यं प्रयत्नेन शतान्नाशी भवेन्नरः। शतान्न, शतान्न क्या है, सौ अन्न, शतान्न ने सौ अन्न, ये तो ना अर्थ तो सीधा शब्द आते निकला सौ अन्न खाना, सौ अन्न खाओ मैंने सौ दाने खाना, सौ दाना चावल गिन करके पका के खाएंगे, क्या अर्थ होगा इसका स्वयं आगे बता रहे हैं। शतांश समष्णीयात् मंत्र सिद्धि समीहया तस्मा नित्यं प्रयत्नेन शतान्नाशी भविन्नरः, भैक्ष्यं भविष्यं शाकानि वीतानि फलं पयः मूलं सप्तुर्योत्पन्नो भक्ष्यान्येतानि मंत्रिणां यज्ञादि, इसको शतान कहते हैं, नाम है सवन लेकिन सौ चीज नहीं होते गिना देते, भैक्ष्यम हविष्यम शाकानी
फलम पयः मूलम सक्तुर यव उत्पन्नो भक्ष्याण्ये तानि मंत्रिणाम विहितानि। ये विहित है, खाने योग्य होनी चाहिए, चवा के खाने योग्य हो और हवन में प्रयोग करने योग्य हो, ऐसी चीजें खानी है। शाक मतलब सब्जियां, फल, दूध, मूलम, मूल मने जड़, जड़ी बूटी बोलते हैं जड़, जैसे आपका जमीन के अंदर होने वाले आलू हुआ, मूली हुआ, सलगम हुआ, जो जमीन के अंदर होते हैं। सत्तू, सत्तू चने आदि की जो सत्तू बनते हैं चूर्ण। और यवोत्पन्नो, सत्तू भी कैसे, किससे, चने से नहीं लेना, अनेक प्रकार के सत्तू होते ना, यवोत्पन्नो कर दिया, जौ से बना हुआ सत्तू, जौ होती ना जौ, उसकी सत्तू। भक्ष्याणि एतानि मंत्रिणां, ये खाने योग्य अपने लिए, चरु मूल फल क्षीर दधि भिक्षान्न सक्तवः शाकश्च अष्टविधं चान्नम् साधकस्योच्यते बुधैः। ये आठ प्रकार के अन्न साधकों के लिए कहा गया। वो भी कैसे होना चाहिए, वो भी मृदु सोष्णम सुपक्वं च कुर्याद् वै लघु भोजनम्। मृदु होना चाहिए, कड़क कड़क चीजें कड़क कट कट कर खाने वाली नहीं होनी चाहिए, हड्डी बड्डी चबाने जैसे है? रोटी कड़क बना लेते ना, करारे चाहिए बोलते रोटी, ऐसे नहीं। मृदु, गर्म भी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं और बिल्कुल ज्यादा करें सोष्णम सुपक्वंच, कच्चा नहीं होनी चाहिए। कुरिया द्वई लघु भोजन, हल्का भोजन करो, इतनी भारी नहीं जब तक तो नींद आ जाए। नेन्द्रियाणाम विकारस्य, ऐसा भोजन हो जिस इंद्रियों में भी विकार ना आवे, किसी भी इंद्रियों में विकार नहीं आए, काम वासना जगनी नहीं चाहिए कहने का। तथा भुंजित साधक यद्वा तद्वा परित्याज्यम दुष्टानम कुछितम फलम, जैसे भी तैसे त्यागना पड़े त्याग दो दुष्टनों को, कुफलों को, कुछित फल को। प्रशस्तानं समष्णीयात् मंत्र सिद्धि समीहया, सबसे बढ़िया उसे ज्यादा कहते पयोव्रत से सिद्धि स्यात् लक्ष्ये नैव न संशयः। सबसे बढ़िया पयोव्रत का अभ्यास कर, 15 दिन का नवरात्र आदि है, बस दूध और पानी पर जीने के अभ्यास कर, उसी के द्वारा अनुष्ठान करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से इस पर विचार हो जाता है। फिर ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कोई भी कर्मानुष्ठान हो उसमें ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण है, और अष्टविध जो मैथुन है उसे त्यागना चाहिए। वो अगले पृष्ठ 6 नंबर पृष्ठ का ऊपर से दिखे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नौवीं पंक्ति में इधर है, मैथुनम तत् कथालापम तद गोष्ठी परिवर्जित ऋतु कालम विना मंत्री स्वस्तिम नैव गच्छति। अपनी पत्नी भी क्यों ना उसके साथ भी संबंध आदि गप सप मारना है, वो करना है, सब मना, बहुत सीरियसली रहना, बिल्कुल गंभीर रहना। स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः। ये 8 प्रकार से मैथुन माना गया, स्मरण करना भी नहीं चाहिए, उनके बारे में कथन करना, स्व विपरीत जो है, पुरुष है तो स्त्री का कथन करना, स्त्री है तो पुरुष का स्मरण करना, कि उसके कथन करना, उसे बातें करना, उसको काम वासना से देखना, एकांत में उनसे गपशप करना, उसके बारे में संकल्प करना, निश्चय करना और कार्य ही कर देना, ये सब 8 प्रकार का मैथुन का अंग माना गया। ये सब निषिद्ध है अनुष्ठान करने वालों के।